महंगी बात है की भाई जी दाल मिर्च बांटे हो ना महंगी वाली वीडियो बनाए चलो बाहर निकलो सकल करो ठीक है बस इनको गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो तुम्हारी दुकान से अभी मैं ही सामान लेके गई थी वीडियो बनाने चलो बाहर निकलो जिसको तुमने सामान रख लिया था मैं कैसे मिलेगी गोंडा में सिटी मजिस्ट्रेट का स्टिंग ऑपरेशन अधिक दामों में बेचा जा रहा था राशन छह लोगों को किया गया है अभी तक गिरफ्तार आइए डालते हैं पूरी नजर खबरों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है सिर्फ आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आने वाले राशन दवा जैसी दुकानों को खोलने की छूट दी गई है लेकिन इसका कई मुनाफाखोर फायदा उठाने में लगे हैं ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से सामने आया है यहां कालाबाजारी की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अफसरों ने स्टिंग ऑपरेशन कर डाला इस दौरान महंगे दर पर राशन का सामान बेच रहे तीन दुकानों से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी ने मीडिया को बताया कि लॉकडाउन के दौरान शिकायतें आ रही थीं कि कई दुकानदार इसका फायदा उठाकर ग्राहकों को तय मूल्य से अधिक दामों पर सामान बेच रहे हैं डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर लाल बहादुर यादव सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी व सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने स्टिंग ऑपरेशन किया सभी लोगों ने सादे कपड़ों में दुकानों को चेक किया सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि कई दुकानदारों से बात की गई और कहा गया कि डीएम द्वारा सामानों का दाम निर्धारित किया गया है फिर भी आप महंगे दामों पर सामान क्यों बेच रहे हैं इस पर कई दुकानदारों द्वारा अभद्रता की गई और कहा गया सामान लेना है तो लो नहीं तो जाओ सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों के सामने अपने को लाचार भी बताया और कहा कि वो गरीब हैं उनके पति बीमार रहते हैं उन्हें सही रेट पर सामान दे तब भी इन मुनाफाखोरी कर रहे दुकानदारों का मन नहीं पसीजा और सबके सामने ही आम ग्राहक बनी सिटी मजिस्ट्रेट का अपमान और अभद्रता की गई जो 130 वाली और बताए रहे कि चाहे कोई भी दाम रहे कम दाम पे ही मिली तो अखबार में निकली रही कहा निकली रही बताओ कहे कि चाहे जितनी मैं बड़ी से बड़ी दाल ले 78 की दाल 82 से 85 मिली बोतल वाला कई रुपया में है 115 रुपए चीनी भैया 40 रुपए हम ले तो हमको भी यही सब दाम दे ही चाहे जो लीजिए हम चाहे जो व्यक्ति हमारे लिए रिक्शा वाला है कि रिक्शा वाला आएगा वो भी हमारे लिए कस्टमर है करोड़पति आएगा वो भी हमारे लिए कस्टमर है सबको एक निगाह से देखते हैं हम ये नहीं कि बड़ा आ गया तो उसको अलग निगाह से देखते हैं अखबार में लिखिए का फायदा रही ये पांच वाला वो दे देना क्रैक मतलब 250 दे रही है आप हमें दाल दे सकते हैं अब भैया तेल है सरसों का साउथ वाला रिफाइंड तो हार खुला भी मिली खुला मिल जाए तो 10 किलो ले लिया जाएगा तो हम 10 किलो ले सकते हैं 10 किलो हमको तोल दीजिए 10 किलो तोल दीजिए पर्चा बना दियो भैया नहीं पेपर में कुछ और छपा से वहाँ हिसाब मांगा था घर वाले तो ये थी इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट मतलब तुम हमें को धमकी दे रहे हो कि साहब अखबार अंदर पीछे यार मेरे साथ दूसरा भैया हम कह रहे हैं मेरा जिला सुचार कर दिया चलो
मेरी बात सुन लीजिए तो मैं नहीं आपको रुपए में चाहने क्या है तो बताइए क्या करूँ सर। सुनो 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 मेरी बात सुन लीजिए भैया मेरी बात सुन लीजिए जरा सर नहीं मैं 100 रुपए दे रहा हूँ कोई बात नहीं तो यार तुम फ्रेम में आ जाते हो भैया अरे रुको भाई बैठो अरे बैठो उतार बैठो तमाम जो बाहर है अंदर कर दो तो ये तो बाहर आता है निपट गया चलो।